ओम शांति सभी सिस्टर्स को ओम शांति। आज हमारे बीच में फिर से भक्ति बहन है। सैटरडे का सेशन जो हमारी माताओं को फिर से जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उनके रहस्य बताएंगे और हम ये एक्टिविटी जरूर करेंगे। तो वो हमको जो जो मीनिंग जो हम श्लोक बोलते हैं उनके पीछे जो रहस्य है उसके पीछे हमको समझाएंगे और इसकी जो एक्टिविटी है जो हमारे कॉन्टेस्ट में भी काउंट होता है। तो सभी माताओं को रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज थर्सडे तक ये एक्टिविटी कर सकते हो। तो ओम शांति भक्ति बहन। ओम शांति। ओवर टू यू। सभी हमारी टीम मेंबर्स की तरफ से और सभी मदर्स की तरफ से आपका स्वागत है स्वागत है स्वागत है। थैंक यू। शुरू करें? हाँ जी शुरू शुरू कीजिए। ओम शांति। सब मेरी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बहनों को माताओं को ओम शांति। बहुत 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 इस सेशन में आपका स्वागत है। सुस्वागतम सुस्वागतम। तो सबकी मन की तार जुड़ गई है? सबकी मन की तार जुड़ गई है? बहुत अच्छा। किसके साथ जुड़ी है? परमात्मा के साथ जुड़ी है, आत्मा के राम के साथ जुड़ी है, ठीक है ना। तो ये जो राम रक्षा है वो किस किस से हमारा रक्षण करती है? आपने इन दो तीन सेशन में कुछ अनुभव किया? अगर किया है तो जरूर बताना। ये राम रक्षा हम क्यों उसको कंठस्थ करना चाहते हैं या समझो कि कंठस्थ किए तो भी कम से कम इस राम को अर्थ सहित समझ कर फिर अगर हम उसको पढ़ेंगे तो उसके फायदे अनगिनत है। लेकिन किस किस ने इसके फायदे अभी अनुभव किए हैं? क्योंकि अगर हम किसी भी चीज का अनुभव करते हैं, एक बहुत बड़ी देन है अनुभव की हम सबको। बहुत सुंदर।
हम सबको बहुत सुंदर एक देन है अनुभव की, और वो अनुभव हर एक का अपना अपना होता है। और अनुभव की बात यह है, आज की मुरली में आप सबने ये महावाक्य जो है वो सुना भी, पढ़ा भी, या और आगे जाकर सुनेंगे भी इसके बाद, क्योंकि परमात्मा जिसको हम बहुत प्यार से शिव बाबा कहते हैं, वो भी कहता है मेरे मीठे बच्चों, आपने अनुभव किया है, तो ये अनुभव जो आपने किया, जो अभी तक हमारे कुछ 2-3 सेशंस हुए, और ये राम रक्षा जो है वो कहने से, या कोई भी स्तोत्र हो, गायत्री मंत्र हो, या केवल ओम का ध्वनि का उच्चारण भी हो, उसको कहने से अनुभव क्या होता है? अनुभव कहाँ जाता है? कभी भुलाया नहीं जाता। अनुभव जो है वो एक हमारी, जैसे कि एक खजाना है हमारा, वो अगर एक हमारी अमानत है, हम कहते भी है कई बार कि मैंने इसका अनुभव किया है, इसलिए मुझे वो बहुत अच्छी तरह मालूम है। तो ये आपने अनुभव क्या किया? क्योंकि अगर हम अनुभव नहीं करते, अनुभव करने की हमारी अगर अंदर से वो इच्छा नहीं है या वो दृढ़ता नहीं है, तो फिर वो शब्द केवल शब्द रह जाते हैं, शब्दार्थ हो जाता है, लेकिन जब उसके भाव को हम समझते हैं कि ये राम रक्षा कहो, या हमारे ऋषि मुनि जो भी हमारे इसी भारतीय संस्कृति में महान आत्माएं होकर गए, जिन्होंने इस संस्कृति को एक बहुत सुंदर ये धरोहर दी है, जिसके कारण आज हम उसके अर्थ को जानकर उस भावना में, उस भाव में टिक सकते हैं, तो ये शब्दार्थ नहीं हो, लेकिन वो भावार्थ हमें समझना है। और भावार्थ समझ करके अभी तो हम सब माताओं की, आपकी सबकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप अभी सिंगल नहीं हो, आपको न केवल अपनी केयर करनी है, लेकिन उसके साथ साथ आने वाले नन्हे से छोटे से फरिश्ते की भी बहुत अच्छी तरह से भी, लेकिन आगे जाकर वो अपने जिंदगी में कामयाब हो, तब तक बहुत अच्छी उसकी केयर करनी है, देखभाल करनी है, उसको बहुत अच्छे वाइब्रेशंस देने हैं। बहुत सुंदर लिखा है स्वाति बहन ने कि दीर्घायु प्राप्त होती है, वो भी है, लेकिन ये तो हो गई बातें भक्ति मार्ग की जो आज तक हम सुनते आए, लेकिन आज हम कुछ अलग सा भी इसके द्वारा, राजयोग जिन्होंने सीखा है वो उसके द्वारा और भी कुछ महसूसता कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। वो महसूसता क्या है? हम कोई भी स्तोत्र का उच्चारण करते हैं, उस स्तोत्र को हम कंठस्थ करते हैं, उस स्तोत्र को जानकर, उसके भाव को जानकर, उसके अर्थ को जानकर, उस अर्थ में खुद को रियलाइज करते हुए, महसूस करते हुए, उस अर्थ में खुद के मन को, बुद्धि को टिकाते हैं, तो एक बहुत सुंदर संस्कारों का बीजारोपण होता है। और ये संस्कारों का बीजारोपण जो है वो आने वाले फरिश्ते पर तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ स्वयं जो बोल रहा है उसको भी उसका अनुभव होना चाहिए। तो ये राम रक्षा किसका रक्षण करती है? कौन है वो राम? आत्मा का राम, परमात्मा शिव बाबा किस किस का रक्षा करता है, किस किस की रक्षा करता है? यहाँ केवल रक्षा शब्द इतना सीमित नहीं है, रक्षा करना अर्थात सुरक्षा करना, अर्थात हमारे मन। आज अलग अलग मीडिया के द्वारा हम इतने ज्यादा न्यूज देखते हैं कहो, या पढ़ते हैं कहो, या सुनते हैं कहो, इसके कारण मन की रक्षा नहीं है। चाहते तो है सब, लेकिन रक्षा होती नहीं। फिर मन में एक बार घुस गया तो बुद्धि जो है वो उसको पकड़ के बैठी है, छोड़ती नहीं है। और फिर बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती है, या कहो बुद्धि को जब ये जंक लगने लगता है, तो ऐसे ऐसे स्तोत्र, चाहे गायत्री मंत्र हो, चाहे केवल ओम का अ उ और म
बहुत ही सिस्टमैटिकली शास्त्रोक्त अगर हम उसका उच्चारण भी करते हैं तो उस उच्चारण से वो भावना पैदा होती है, वो बुद्धि जो है जिसको हम आज बचाना चाहते हैं सारी बुराइयों से, नकारात्मकता से, वो बुद्धि उससे अपने आप ही बच जाती है, उसको स्पेशली बचाने की जरूरत नहीं रहती। तो ऐसे मन की रक्षा, बुद्धि की रक्षा, हमारे मन में उठने वाले हर तरंग भावनाएं जिसको हम कहते हैं वाइब्स, वाइब्रेशंस, उसकी रक्षा ये राम रक्षा करती है। और इतना सुंदर कार्य बुद्ध कौशिक ऋषि ने हमारे लिए करके रखा है, इसीलिए मुझे याद है बचपन में, पहले भी आपको बताया है, अगर कभी कभी डर लगता था अकेले में या अंधेरे में है, तो ऐसे समय हमारे बड़े, मेरी दादी जी है, वो बोलती थी कोई बात नहीं, राम रक्षा आप बोलते जाओ, आप कंठस्थ जो की है वो बोलते जाओ, अपने कोई भी प्रकार का दोष है या भय है वो अपने आप निकल जाएगा। कितनी सत्यता है, आप सभी इस बात का अनुभव कर रहे हो। तो हम आगे बढ़ते हैं, हमने अभी ध्यान तक पूरा किया और पहले इसका पहले जो सेशन हुआ था उसमें उस पहले श्लोक से लेकर हमने अभी पढ़ना शुरू किया है, एक बार रिवाइज करते हैं और फिर हम आज के जो श्लोक है वो आपके सामने रखते हैं उसके अर्थ सहित। तो फिर से मुझे एक बार आपको ये बताना है कि राम रक्षा जो है वो आप कंठस्थ करना, बुधवार या गुरुवार तक जो जैसे आपने समझी है उसका आप सही उच्चारण करते हैं, तो उस प्रोनाउंसिएशन के साथ उस एक्सेंट में बहुत अच्छी तरह आप उसको रिकॉर्ड करना और जरूर भेजना, ताकि उस समय भी एक बार आपको वो महसूसता होगी और वो वाइब्रेशन बहुत डीप चले जाते हैं और वो हमारे नन्हे से, छोटे से, प्यारे से बच्चे को मिलते हैं। तो इसलिए हमने पहला जो श्लोक देखा था वो था चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पूसाम महापातक नाशनम। क्या इतनी बड़ी महिमा है राम नाम की, राम ये अक्षर कहने की इतनी बड़ी महिमा है। ये राम रक्षा जो है ये अगर हम स्तोत्र पठन करते हैं, कंठस्थ करते हैं, तो क्या इतनी बड़ी उसमें ताकत है? जी हाँ, जरूर है। और वो तब है जब हमने उसको समझा, उसके अर्थ को जाना और उसमें थोड़ा समय क्यों न सही एकाग्र होकर मन बुद्धि को टिका कर उसमें कॉन्सेंट्रेशन जिसको कहते हैं वो अगर हमने कहा, तो क्या मजाल है कि जो भी हमारे अंदर की बुराइयां है वो न निकले, हो ही नहीं सकता। और इसीलिए बुद्ध कौशिक ऋषि कहते हैं कि चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पूसा महापातक नाशनम। अर्थात ये जो चरित्र है श्री राम जी का, प्रभु राम जी, उन्होंने तो राजा दशरथ के पुत्र रघुराम को कहा, लेकिन हम जानते हैं कि परमात्मा जो है उसका चरित्र तो वैसे तो गायन ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो अनंत है, क्योंकि वो खुद का, उसका चरित्र भी अनंत है और उसका नाम भी अनंत है जिसका कभी हम अंत नहीं पा सकते। तो चरितम रघुनाथस्य शत कोटि प्रविस्तरम, ये शत बार इतना कोटि कोटि उसका विस्तार है और उसका एक एक अक्षर, उस एक एक अक्षर की ये महिमा है कि हमारे महापातक विनाश हो सकते हैं। कितने सिंपल सी बात है ना। अगर हमारे पातक, मना अभी अभी के हिसाब से हम पातक या पाप इतना बड़ा शब्द यूज नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि हमारे मन में कोई बुराइयां है, कोई नकारात्मकता है, कोई भय है, कुछ भी ऐसी भावना या फीलिंग्स जो हम नहीं चाहते, जो अच्छी नहीं है, हमें समझ में आ रहा है फिर भी मन में वो कभी कभी उमड़ती है, तो ऐसी भावनाएं महापातक नाशनम, ऐसी
भावना, ऐसी नकारात्मकता, ऐसी बुराइयां, ये जो सारी व्यर्थ, जो नकारात्मक है, व्यर्थ है, जो पास्ट में होके गई है, जिसका अभी चिंतन करने से फायदा तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर से बुद्धि को भ्रष्ट करने वाली ये सारी चीजें है, उसको विनाश करने की एक ताकत, एक जबरदस्त शक्ति, एक पावर इस राम रक्षा के एक एक अध्याय में है, एक एक श्लोक में है। तो कितनी आसान बात है नहीं? हमारे पूर्वजों ने देखो कितनी अच्छी बात कही कि बस आप अपने मन को एकाग्र करते हुए परमात्मा का नामस्मरण कीजिए, कोई बात नहीं, जो भी आपने पहले किया होगा, कुछ गलतियां की होगी, कुछ बुराइयां की, तो भी वो बुराइयां, वो गलतियां जरूर माफ हो सकती है। और इसी को कहते थे हिंदी में, जब जागो तब सवेरा। ठीक है, आज पूरे दिन मेरे अंदर कुछ ऐसी नकारात्मकता आई, कोई हर्जा नहीं, हर दिन नया दिन है, हर रात नई रात है। और अगर हम सब बहुत ही अच्छे भाव से ये राम रक्षा का एक एक श्लोक करते हैं, तो फिर तो क्या भाग्य का क्या कहना। वो अनुभव आप सब जरूर लेना। आगे चलते हैं, आगे क्या कहा है, ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं, ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं, जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमंडितं। ये भी होकर गया है, फिर से एक बार बता रही हूँ। यहाँ भी वर्णन है कि ये जो नील कमल जैसा, एक बहुत सुंदर श्यामल वर्ण जैसा, जिसके राजीव जैसे, कमल जैसे नेत्र है, जटाओं में, मुकुटों में सुशोभित ऐसा उसका सारा जो वर्णन है, वो सारे वर्णन के बारे में कहा गया है, जो जानकी और लक्ष्मण सहित है श्री राम, प्रभु राम, क्योंकि राम के चित्र आपने देखे हो, कहा भी मंदिर में तीनों एक साथ दिखाते हैं, श्री राम, जानकी अर्थात सीता और लक्ष्मण, इतना ही नहीं तो हनुमान जी भी दिखाते हैं। तो ये हमने देखा, इस श्लोक में पूरा राम का वर्णन है। अभी यहाँ हम आत्मा के राम की बात कहे कि परमात्मा जो है वो कैसा है, उसका क्या वर्णन करें, उसकी कितनी महिमा गाए, उसकी महिमा कितनी भी गाए तो भी कम है। माँ सरस्वती, माँ शारदा भी उसकी महिमा नहीं गायन कर सकती, इतनी उसकी अनंत महिमा है। तो इसके बारे में आप सोचते रहो कुछ मिनट तक, उस बहुत सुंदर मुंह को करते रहो, तो पता चलेगा कि पूरे शरीर में, मन बुद्धि में, आत्मा में वो वाइब्रेशन, वो एक ताकत, वो एक शक्ति जो आज हर एक इंसान चाहता है। और हम इतने लकी है, इस ग्रुप से जुड़ गए हैं, जो भी डॉक्टर्स की हमारी टीम है, सबको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, और आपको जुड़ने के लिए। तो आगे का श्लोक देखते हैं, आगे क्या कहा है, सासी तूण धनुर्बाणम पाणिम नक्तम चरांतकम स्वलीलया जगत्रातु माविर्भूतम मजम विभुम। और एक देखते हैं तीन और चार, ये है तीसरा, सासी तून धनुर्बाणम पाणिं नक्तम चरांतकम स्वलीलया जगत्रातु माविर्भूतम मजं विभुम। अर्थात इसका अर्थ है कि जो अजन्मा है, देखो बुध कौशिक ऋषि ने भी क्या कहा, श्री राम तो अजन्मा नहीं है, उसका तो राजा दशरथ, और उसका तो जन्म हुआ ना, कौशल्या और दशरथ तो उसके माता पिता है ना। लेकिन कहना क्या चाहते हैं ऋषि, दरअसल वो जैसे कि कहा आपको, डिकोड करनी है लैंग्वेज, तो कहना क्या चाहते हैं, जो अजन्मा है, कौन है अजन्मा, परमात्मा शिव, जो अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं होता, फिर सर्वव्यापक है। यहां सर्वव्यापक का भावार्थ जानना है, सर्वव्यापक का अर्थ ये नहीं कि सब में है,
इसका अर्थ यह है कि सबके मन में, सबके बुद्धि में वो भाव भरा हुआ है उसके प्रति जो प्यार है, उसके प्रति जो बहुत बहुत श्रद्धा है, उसका वो भाव है। सर्वव्यापी भाव नहीं है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट वो भाव नहीं है, लेकिन वो सैद्धांतिक रीत्या नहीं, भावनिक दृष्टिया है कि परमात्मा जो है वो हर एक के मन में बसता है। आप अपना मन सिर्फ साफ करो, फिर वो बसेगा ना, फिर वो उस उधर बसेगा ना। तो इसलिए जो अजन्मा है, जो सर्वव्यापक है, अब वो कैसा है, तो श्री राम का वर्णन किया है, हाथों में है उसके खड्ग, फिर उसके हाथों में धनुष है, बाण है, और किसी राक्षसों का संहार किया है उसने, कितने सारे राक्षसों का उसने संहार किया है। और ऐसा राम अपनी जो कोई लीलाएं है वो लीलाएं दिखा रहा है, और उससे श्री राम के लिए कहा है, वो श्री राम जो है वो मेरी रक्षा करे, वो रक्षा करे मेरी। और उस रक्षा के लिए जैसे कि हर एक, अभी आगे जाकर हर एक ऑर्गन का, हर एक अवयव की रक्षा करे। देखो कितनी सुंदर और सटीक बात है, छोटी छोटी सी बातें हैं। ऐसा नहीं कि मेरी रक्षा करे, लेकिन सिर से लेकर पांव तक जब हम कहते हैं कि जैसे सिर में कहते कि उसका बाल भी बाका ना हो, सिर से लेकर पांव तक मेरे एक एक अंग अंग की रक्षा करे। यहाँ तो उन्होंने शरीर के अंग दिखाए हैं, लेकिन हम सब इतने लकी है, हम सब इतने भाग्यवान है कि हम जानते हैं राजयोग के द्वारा कि सबसे पहले तो मेरे मन की रक्षा करे, क्योंकि ये मन जो है वो मेरी सुनता नहीं है कभी कभी। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी बताया गया है कि मन को मारो नहीं, उसको सुधारो। छोटा बच्चा जैसे है वैसे उसको आप ना 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 कहो तो वो वही करेगा, क्योंकि उसने ना, उसको ना कह रहे हैं ना, तो वो वही करना चाहेगा, लेकिन उसको प्यार से समझाओ तो वो जरूर सुनेगा। तो न केवल सिर से लेकर पांव तक, लेकिन यहां मेरे मन की रक्षा, फिर मेरे बुद्धि की रक्षा, मेरी भावनाओं की रक्षा, मेरे बुद्धि में जो विवेक शक्ति है उसकी रक्षा, उस हर एक की रक्षा आत्मा का राम, परमात्मा शिव बाबा मेरी सदा करता रहे। इसीलिए ये बहुत सुंदर पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक है। एक बार हम बहुत अच्छी तरह से उसको समझेंगे, जैसे अभी समझा वैसे ही एक बार फिर से कैसे उसका उच्चारण है वो समझेंगे। तो चलिए आप भी बहुत अच्छी तरह से ये समझ कर बोलना। एक एकम अक्षरम पूसाम महापातक नाशनम ध्यात्वा नीलोत्पल श्यामम रामम राजीव लोचनम जानकी लक्ष्मणोपेतम जटा मुकुटमंडितम सासी तूण धनुर्बाणम पाणिं नक्तम चरांतकम स्वलीलया जगत्रातु माविर्भूतम अजम् विभुम्। माविर्भूतम अजम् विभुम्, आगे क्या है, राम रक्षा पठे प्राज्ञा पापग्निं सर्व कामदाम शिरो मे राघव पातु भालम दशरथात्मजहा। जैसे कि श्री कृष्ण के अनेक नाम है, वैसे श्री राम के लिए भी भक्ति मार्ग में कई नाम दिए हैं। तो दशरथ का आत्मन अर्थात दशरथ जो है वो उनके पिता, उनका आत्मन दशरथात्मजहा, आत्मजहा अर्थात उनका पुत्र। अब आगे क्या कहा है, राम रक्षा पठे प्राज्ञाम पापग्निं सर्व कामदाहा, अर्थात ये जो राम रक्षा है
ये राम रक्षा किस लिए हम गायन कर रहे हैं, किस लिए उसकी जरूरत है, तो मैं राम रक्षा कहने वाला सर्व जो मेरी कामनाएं या जो भी मेरी सारी इच्छाएं वो उसकी पूर्ति हो गई है और सारे पापों को नष्ट करने वाला ऐसा ये राम रक्षा का बहुत सुंदर मंत्र कहो या जंत्र कहो, ऐसी राम रक्षा है। एक एक अध्याय उसका, एक एक स्तोत्र, एक श्लोक उसका पठन क्यों करना है, कंठस्थ क्यों करना है, क्योंकि मेरे सारे पाप, मेरी सारी कामनाएं, मतलब कुछ बाकी रहा ही नहीं, मेरी सारी कामनाओं की जैसे पूर्तता हो गई है, जैसी वो पूरा मैं संतुष्ट हूं। संतुष्टता बहुत बड़ा गुण है ना। तो यहाँ बुद्ध कौशिक ऋषि कहते हैं कि ऐसा मेरा इस स्तोत्र पठन करने से ऐसी मेरी अवस्था हो जाती है, ऐसी शक्ति मेरे पास आती है, संतुष्टता की शक्ति। और फिर एक एक अक्षर उसका इतना सुंदर है, जो अक्षर कहने के बाद भी उसकी महसूसता को, उसको अनुभव कर सकती हूँ मैं, महसूस कर सकती हूँ उस अक्षर की जो महिमा है, एक एक अक्षर की, वो यहाँ कहा है। और फिर कहा है अपनी लीलाएं जो करता है, ऐसा प्रभु राम, लीलाएं करने वाला, अपनी लीला दिखाने वाला, इसीलिए कहा गया है अहो प्रभु तेरी लीला परंपार, उसका पार नहीं लग सकता। तो ऐसा हमारा परमात्मा जो है, आत्माओं का राम जो है, उसकी लीला जो है, वो लीला ऐसी महान है जो सारे जग की रक्षा कर सकती है। और इसीलिए यहाँ कहा गया है बुद्ध कौशिक ऋषि ने इस सुंदर से श्लोक में कहा गया है कि इसलिए सबसे पहले दशरथ पुत्र राम मेरे ललाट की रक्षा करें, अर्थात भाल की। क्यों पहले भाल कहा? एक तो हमें ऊपर से नीचे तक एक एक अंग प्रत्यंग कहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ ही आत्मा का निवास होता है। कहते हैं कि आपके भाल पर लिखा हुआ है, भाग्य की रेखा लिखी हुई है, तो भाग्य बनाने वाला जो है आत्मा का, वो परमात्मा है। भाग्य बनाने वाला अर्थात वो भाग्य कैसा बनाना है वो गाइडेंस देता है, बनाता वो नहीं है, बनाना तो हमें सबको अपने अपने रीति से है, उसके श्रीमत के अनुसार है। लेकिन इसलिए पहले कहा कि वो क्या करे, ललाट की रक्षा करे। ये मेरा ललाट जो है उस पर सदा उसकी स्मृति चमकती रहे, या कहो आत्मस्मृति में मैं सदा टिक जाऊं। और इसीलिए बहुत सुंदर रीति से कहा है कि सबसे पहले मेरे ललाट की रक्षा करें। देखो कितना सुंदर भाव है। तो मैं समझती हूँ आप सबने एक से लेकर चार तक बहुत अच्छी तरह एक एक जो भी श्लोक है उसको बहुत अच्छा अर्थ सहित समझा है। ठीक है, सबने समझा है, मैं ऐसा समझू? सब माताओं ने, सब बहनों ने ऐसे समझा है? एक से लेकर चार तक अभी हमने जो भी कुछ एक एक श्लोक कहा, अर्थ कहा, उसको समझा है। तो मेरी आपको बहुत प्यार भरी, स्नेह भरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने उसका खुद अनुभव किया, मेरी बेटी के लिए भी अनुभव किया है, वो भी आज तक अपने बच्चों को साथ लेकर बोलती है और वो भी धीरे धीरे अभी सीखने लगे हैं। तो आप, आपकी जिम्मेदारी कोई अभी 9 मंथ वाली केवल नहीं है, वो तो आगे जाकर बहुत मना दूर तक हमें देखना है। बहुत अच्छा, तो रिकॉर्ड करके जरूर भेजेंगे। तो इसलिए उसके अर्थ को पहले जानो और उस रीति से एक एक श्लोक जो है उसको बहुत अच्छी तरह से कंठस्थ करना। कंठस्थ करते हुए कुछ
समय के लिए, कुछ पल के लिए उस अर्थ में टिक जाना, जैसे कि देखना परमात्मा का शॉवरिंग हो रहा है मुझ पर, और वो बहुत सुंदर ऐसी जैसे वर्षा कर रहा है, और सारी शक्तियां जो है वो मुझे मिल रही है, और मेरे द्वारा मेरे छोटे से नन्हे से लाल को मिल रही है। ये जब आप विजुअलाइजेशन करेंगे तो आप पाएंगे, तो आप देखेंगे, तो आप इतने खुश होंगे, और वो वाइब्रेशन छोटे से बच्चे को भी जाएगी, और आगे जाकर वो बहुत सुंदर मिरेकल करने वाली है, किया ही है मिरेकल ऐसा समझो। तो आज के सेशन के लिए यहाँ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। अगर किसी को कुछ पूछना है तो जरूर पूछ सकते हैं। ओम शांति। तो अभी जैसे भक्ति बहन ने बोला, तो किसी को कोई भी क्वेश्चन हो हमारी सिस्टर्स को, माताओं को, भक्ति बहन से पूछ सकते हैं। कोई मीनिंग उनको नहीं समझा है, कुछ एक्टिविटी कैसे करनी है, अभी भी अगर जो माताएं नई नई जुड़ी है तो भक्ति बहन से पूछ सकती हैं। वो कोई पूछना चाहता है क्वेश्चन तो अपना हैंड रेज करेंगे। किसी को क्वेश्चन नहीं है, सबको क्लियर हो गया है। तो भक्ति बहन शायद हमारी माता है, अभी एक्सपर्ट हो गई है, उनको कोई भी क्वेश्चंस नहीं है। और जैसे लास्ट टाइम आप सभी मदर्स ने पार्टिसिपेट किया था, किसी ने अपने बच्चे को भी इन्वॉल्व किया था, तो आप भी ये बार उतने ही उमंग उत्साह से पार्टिसिपेट करेंगे। और थर्सडे तक का टाइम हमें मिलता है, तो हमें बहुत लंबा टाइम मिलता है ये एक्टिविटी के लिए, तो जरूर 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 सब हमारी बहनें पार्टिसिपेट करेंगी। और घर में अगर कोई छोटा मेहमान है, आपका बड़ा बेटा या बड़ी बेटी है, तो उनको भी इन्वॉल्व करेंगे, तो वो भी ये चीजें, नई नई चीजें सीख पाएंगे जो आजकल बाहर सीखने नहीं मिलता है, और बच्चे इसमें इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इसमें पार्टिसिपेट करना ये एक्टिविटी में। और सभी अब हम एक हाथ से भक्ति बहन का शुक्रिया करेंगे। थैंक यू भक्ति बहन, पूरी टीम की तरफ से और सभी मदर्स की तरफ से। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।